Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey दोस्तों, सना ठाकुर. दोस्तों बढ़िया, अच्छा लग रहा है. मैं जब खड़े रह के बात करता हूँ ना तो डबल एनर्जी आ जाती है, तो मैंने सोचा अभी खड़े होके बात करेंगे. दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि इस बिजनेस में कैसा आप क्या करें कि कभी फेल होने के चांस ही खत्म हो जाए. हाँ, कई लोग आते हैं ना, कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोच रहा हूँ करूं नहीं करूं, ऐसे करूं ऐसे करूं. आज आपको एक बात बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे करें. वो आपका एटीट्यूड, मतलब क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए. तो इस बिजनेस को ऐसे सोच के करें कि जैसे ये जिंदगी का आखिरी मौका भगवान ने आपको दिया है. अगर इसमें फेल हो गए तो जिंदगी खलास, एकदम सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, दुनिया धरती खत्म. कोई ऐसा लुकिंग बैक का कोई चांस नहीं. बर्न द ब्रिजेस कहते ना, बर्न द ब्रिजेस. ऐसे वो जैसे वो प्लेन है, एक बार उसका नोज अप हो गया तो भाई उसको चांस नहीं है पायलट को कि भाई वापस से ब्रेक मार के रोक के थोड़ा रेस्ट करके वापस चलाएंगे. अब उसको ऊपर ही जाना है, पीछे लौटने के सारे रास्ते अगर बंद कर दोगे आपकी कामयाबी इसी वक्त अभी का अभी गारंटेड है. तो ये सोच के कि ये यही है बस, अब ऑप्शन सारे खत्म हो गए. जब तक आपके पास बहुत ऑप्शन रहेंगे आप कुछ दिन इधर करोगे, कुछ दिन उधर करोगे, कभी इधर खड्डा खोदा थोड़ा सा देखा पानी नहीं आया इधर खोदते हैं इधर, और कभी कुछ नहीं होगा. एक ही जगह पकड़ लो और खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो. ये तो सच है कि जहां खड़े हो हर जगह पे सोना है. आप खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, किसी को 10 फीट पे मिलेगा, 100 फीट पे मिलेगा, 1000 फीट पे मिलेगा जरूर, पर बार बार जगह बदलते रहोगे कभी नहीं मिलेगा. इसको अगर आपने डिसाइड कर लिया करना है तो ये आपकी थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि बस मेरे लिए ऐसा ही था, या तो ये होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, बस इसको अभी करना ही है. चॉइसेस नहीं है कि हुआ तो देख लेते हैं ट्राई करके. वो जो ट्राई करने आते हैं वो ट्राई करते रहते हैं. आप खाना खाने बैठो ट्राई करो, खाओ मत ट्राई करो, तो पेट भर गया क्या? पेट कब भरता है? जब खाते हो. ये बिजनेस को भी ट्राई मत करो, करो क्या करना पड़ेगा भाई? बेसिक्स है वो करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको हेल्प करना पड़ेगा प्रॉपर्टी में. आपका वो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए. पहले दिन सारा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, पर शुरू में मैसिव एक्शन डालने का, बाद में एकदम रेस्ट करो, टीम वूम बन जाएगी. अभी मैं कुछ नहीं, भाषण देता हूं ज्यादातर, वीडियो बना रहा हूं, घूम रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं. अभी 80% सब बाकी लोग कर रहे हैं, पर शुरू में मैंने भयंकर काम किया. कॉलिंग भी चालू, लिस्टिंग भी चालू, दिखाना भी खुद ही, सब वन मैन आर्मी. नेगोशिएशन भी करने का, पेपर वर्क भी करने का, घर में जाके साफ सफाई भी करके उसका पैशन भी देने का, चाबी भी लाने का, सब कुछ पूरा सोल्ड आउट एकदम. बिजनेस को कुछ नहीं, खाते समय रियल एस्टेट, सोते समय मैं बिजनेस में नहीं गया, बिजनेस मेरे अंदर आ गया. हेलो, सनत में नहीं गया था रियल एस्टेट में. आप भी ऐसे आपके अंदर आ जाए वो रियल एस्टेट. सोते जागते क्लाइंट आएगा, ये करूंगा कल, आज सो रहा हूं तो कल की दो मीटिंग में क्या बोलना है, दिमाग में बात वो ऐसे बोल रहा था, उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, खूब मुझे पता ही नहीं रहा सोचने का कि ये चलेगा नहीं चलेगा. इतना बिजी हो जाओ कि फुर्सत ही नहीं है अपने को. कल इतने लोग आ रहे हैं, आज इसका करना है, थोड़ा फुर्सत मिला ऐसा लगे कि एक दो लोग कम आए, डील ये है ना, जो मीटिंग होने वाली थी या विजिट वो कैंसिल हो जाए, थोड़ा सा सांस ले लूं खा लूं. कभी समझता नहीं था मैंने खाया क्या था, बैठूंगा वाइफ बोलेगी क्या है, इसको कुछ भी दे दो क्या खाया, पर धाप 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 क्योंकि भागना है अपने को. फिर गाड़ी एकदम एक्साइटमेंट में तो मोमेंटम आ जाता है. अभी ये रोड है, ऐसी 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 रोड है हा? और ये आपको क्रॉस करना है. यहाँ आप हो कैसे, मेरा फोटो अच्छा नहीं है, जो भी संभाल के लेना, कैसे रहता है, जो भी है ये आपको जाना है. लेकिन शहर ये जो है ना रोड, ये बहुत गर्म है, एकदम जल रही है, दोपहर है, एकदम राजस्थान है और 45 डिग्री टेम्परेचर, उससे भी ज्यादा. और आपके पैर में ना शूज नहीं है, नंगे पैर हो आप, तो ये रोड जब आप क्रॉस करोगे तो कैसा ऐसा टहलते जाओगे, क्या मजा आ रहा है, मस्त गर्मी लग रही है, या ऐसा पैर रखो चटका लगेगा एकदम, हाँ जले एकदम, भागोगे कि कितना जल्दी. शुरू में बिजनेस को ऐसे ही सोचना का कि ये जलती हुई रोड है, बहुत गर्म है ये,
और आप नंगे पैर हो, अगर यहां तक गए, थोड़ा सा धीरे से देखा गर्म है, आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, जल रहा है, तो आप वहीं पे बैठ जाओगे, जलते रहोगे या वापस भाग के निकल आओगे? नहीं बाबा, बर्दाश्त नहीं होता, बहुत बहुत चटके है, बहुत ये है। या एक बार आग बंद किया एंड जस्ट स्प्रिंट मार दिया, बस जो होगा, या तो क्रॉस सक्सेसफुल या तो देखेंगे फिर, और आप 100 में से 100 बार कामयाब हो जाओगे अगर ये नजरिया रहता है तो। बाकी बिजनेस तो बच्चा भी कर लेगा, 5वीं क्लास है कोई, थोड़ा बहुत बात करना जानता है, लोगों को हेल्प करने का उसका एटीट्यूड है। ये बिजनेस में हर तरह के लोग कामयाब हुए, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, पढ़े लिखे MBA भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैंने सब लोगों को देखा है बॉस, और वो भी है चाय वाले, दूध वाले, वॉचमैन भी है, हर तरह के लोग कामयाब भी बने, हर लोग फेल भी बने। लड़का भी है, लड़की भी है, जवान भी है, बूढ़े भी है, मिडिल एज भी है, शादीशुदा भी है, बैचलर भी है, 18 साल के ऊपर उम्र है, सांसें चल रही है, तो आपके लिए बिजनेस 100% कामयाबी बनेगा। लेकिन शुरू में जो मोमेंटम लाएगा, अगर 2-3 महीने में आपने डील नहीं क्लोज कर पाई तो ये मान के चलो आप चले जाओगे इस बिजनेस से, नहीं टिकोगे। पहला डील हो गया, आपको फेथ आ जाता है, मैं कितना भी मोटिवेट करूं, ट्रेनिंग करूं, लेकिन आपको पैसा नहीं आ रहा है तो ज्यादा दिन नहीं रहोगे। एक तोते की स्टोरी थी, वो तोता एक आदमी आता है, लेके जाता है, तोता दुकान पे बहुत अच्छे से बोलते रहता है, लेकिन वो घर गया तो शांत बैठा है, तो ये फोन करता है दुकान वाले को कि यार क्या है, तुम्हारे यहाँ तो अच्छा तोता बोल रहा था, घर में आया तो बोला नहीं आ रहे, बोला तोते को थोड़ा माहौल दो, ऐसे ही बांध के मत रखो, उसको पिंजरा उंजरा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, फील करेगा, तब वो कुछ बोलेगा। ये भाई जाता है, पिंजरा लेके आता है, फिर भी तोता शांत है, फिर फोन लगाता है, बोलता झूला बिल्ला लगाओ उसको, थोड़ा लगे ऐसा माहौल करो। ये झूला उल्ला लगाता है, फिर भी नहीं, तीसरे दिन तोता मर जाता है। ये शिकायत करता है कि ना बोला एक बार भी और तोता खत्म हो गया। इसने बोला अच्छा क्या क्या किया, बोला पिंजरा लगाया, झूला लगाया, सब माहौल किया। अरे बोला उसको खाने को दिया क्या, मिर्ची दिए क्या, पेरू मिर्ची? बोला वो तो दिया ही नहीं, आपने कहा बोला? बोला ये कॉमन सेंस है, और झूला पिंजरा चलता रहेगा, मेन उसको खाने को तो दो, भूखा था 3 दिन से, बोलेगा क्या वो? तो धंधे में भी ऐसे होता है, भाई इतना मोटिवेट करूं ऐसे होगा, वो होगा, ऐसे आएगा सब कुछ, लेकिन आपका कुछ आ नहीं रहा है, मतलब खाने को मिर्ची नहीं मिली तो आप टिकोगे नहीं। उसके लिए शुरू में बोलते हैं डबल योर मिस्टेक्स, शुरू में कुछ भी जो जैसा है कर डालो। मैं आपको बोलता हूं गलतियां ज्यादा करो। लोग सोचते हैं मैं गलत कॉल ना कर दूं, गलत तरीके से, अरे सब चलता है, कस्टमर को क्या मालूम आपने क्या बोल दिया, वो तो पहली बार लेने आया है ना भाई, मालूम भी रहेगा तो माफ कर देगा। अगर आप दिल से साफ सुथरा बता रहे हो गलतियां हो गई, बता देने का, भाई मेरा पहला महीना है, मुझे पूरा ट्रेनिंग देने वाले मेरे कस्टमर थे, मेरा कोई यहाँ पे गॉडफादर नहीं था, मेरे खानदान में किसी ने रियल एस्टेट छोड़ो बिजनेस नहीं किया है, मैं पहला आदमी हूं अपने परिवार का, पर मेरे अंदर ये थी कि यार आप उनका लेंगे, इतने दुनिया के लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, वो इंसान की औलाद है, वो कर सकते हैं तो सनत ठाकुर भी कर सकता है, बशर्ते कि मैं इसको शिद्दत से करूं। ऐसा कोई बहुत क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है, लोगों को घर का लेना है, रोटी कपड़ा मकान, ये एक बुनियादी चीज है, इसके बिना धरती पे आदमी रहेगा नहीं, छत की जरूरत तुरंत पड़ती, पेट भरा कि आदमी सोचता है छत मिले तो ये चलने वाला है, ये मेरा एक ऐसा समझ थी बेसिक। और अपन अच्छा काम करेंगे, पैसा बाद में सोचेंगे, उसको मदद करेंगे, जो भी है हेल्प करेंगे, तो सामने वाला ये देखता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से झलकता है, आपके काम करने के तरीके से, आप जहां वो बुलाता है आप पहुंच रहे हो, जैसे भी है वो फिर आपको अप्रिशिएट करता है और जरूर आपको नहीं छोड़ता है। तो ये मेरा क्या कहना है कि ये बिजनेस में आओ तो बहुत सारे ऑप्शन है, पहले देखेंगे, ऐसा हुआ तो अभी भी मेरे साथ बहुत लोग मिलते हैं, मेरे को भी करना है सिखाओ, जा थोड़ा चैलेंज आया, बंदा भाग गया, हेलो, अरे भाई एब्सोल्युटली नॉर्मल, एक नई चीज सीखने जा रहे हो, बिजनेस है ये, थोड़े बहुत तो आएंगे इसमें, रिजेक्शन आएंगे, ये पहले से ही तैयार रहो। आप सेल्स के फील्ड से नहीं थे तो यहां थोड़ा वक्त लगेगा आपको, ये आप सेलिंग एक अलग चीज है, पर वो टिकते नहीं, तो ऐसा करके आओ कि भाई जैसे क्या ये एक आखिरी
चीज है, अब इसके बाद ऑप्शन नहीं है, करो या मरो वाली स्थिति है, सब कामयाब बन जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। हर आदमी जो ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको लिख के ऐसा स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूं, अगर आप टिके रहे एक ना एक दिन जरूर काम आओगे। जैसे बोलते हैं ना, पटरी पे हम दौड़ते रहे, कभी ना कभी तो ट्रेन आ ही जाएगी, पटरी बनी है तो ट्रेन के लिए बनी है, समझ गए। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।